नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश चंद्र स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया। प्यार प्यार इंसान को खुशियां देता है तो कभी खुशियां छीन भी लेता है। प्यार में इस कदर डूब जाना कि अगर प्यार हासिल ना हो तो उसे नेस्ता नाबूद कर देना, ये कहां तक लाजमी। इश्क जब सर से ऊपर चढ़ जाता है तो कभी कभी कोई वारदात को अंजाम भी दे देता है। आज हम आपको एक ऐसी ही वारदात दिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर ये आएगा कि पति पत्नी और वो यानी पत्नी का आशिक। एक तरफ शादीशुदा जिंदगी तो दूसरी तरफ अवैध संबंध। वो अवैध संबंध जो अक्सर शादीशुदा जिंदगी में वो जहर घोलती है जिसका असर पति पत्नी के रिश्ते पर पड़ता है और अंजाम होता है मौत। साजिश, बदला, जिसका अंत हो पाना नामुमकिन होता है। और यही जहर गुला शिपू की जिंदगी में, जिसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि उसे ये दिन भी देखने को मिलेगा। दरअसल इन मासूमों के अलावा ये पति पत्नी और वो के बीच का किस्सा है जो कि बलजीत नगर का बताया जा रहा है, जहां पर इस त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का किस्सा शुरू हुआ और इसका अंत भी हुआ। वो दोनों खुश थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब सही चल रहा था। दोनों ही अपने वैवाहिक जिंदगी को एक साथ जी रहे थे, लेकिन शायद होना तो कुछ और ही तय था। शिपू और प्रियंका के बीच आया अमित नाम का वो शख्स, जिसने बोया वो बीज जिसकी शाखाओं ने शिपू की जिंदगी का गला घोट दिया। इन मासूमों का गला जो अब तक माँ के आंचल के सहारे रह रहे थे। अब हम आपको बताते हैं कि असल में ऐसा क्या हुआ जो शिपू और प्रियंका की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया। ये सारा किस्सा शुरू होता है रणजीत नगर स्थित बलजीत नगर इलाके से। प्रियंका और शिपू पति पत्नी थे, दोनों की शादी को 10 साल हो चले थे, दोनों ही कामकाजी थे। शिपू एक बैटरी की कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। प्रियंका और शिपू के दो मासूम से बच्चे भी हैं, एक लड़की और लड़का, चिराग और अवनी। पति और पत्नी के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है तो रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं दरार आ ही जाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब तीसरा व्यक्ति उसमें दाखिल हुआ तो सब कुछ तड़कता नजर आया। दरअसल प्रियंका के शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी के साथ उसके अवैध संबंध थे और उसका नाम था अमित। और इस खबर से बेखबर शिपू अनजान था। शिपू को कई बार अपनी पत्नी पर शक भी हुआ, लेकिन प्रियंका झूठ बोलकर बात को छुपा देती थी। लेकिन शिपू का शक बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि प्रियंका ने एक बार अमित और अपने पति शिपू को आमने सामने करवाया, लेकिन तब प्रियंका ने बोला कि वो उसका भाई है, तो शिपू ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, जो कि कोई भी करता। आपको बताते चलें कि अमित रोहतक में ही कैब चलाता था और उसके पिता वहीं परचून की दुकान भी चलाते हैं। अमित अक्सर कैब चलाने के बाद अपने पिता की दुकान पर बैठ जाता था, जबकि प्रियंका का गांधी मार्केट रोहतक में मायका है। और इतना ही नहीं, दोनों पड़ोसी भी थे और यहीं से ये प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। प्रियंका और अमित के रवैये को लेकर शिपू अक्सर सोच में पड़ जाता था। प्रियंका घंटों घंटों देर रात तक फोन पे अमित से बात किया करती थी, लेकिन जब प्रियंका का पति उससे सवाल करता तो उसका जवाब होता कि ऑफिस फ्रेंड का कॉल है। इसी तरह प्रियंका का झूठ उसके पति को खटकने लगा था। दोनों की गतिविधियों को देखकर प्रियंका के पति शिपू ने एक फैसला लिया और फैसला था अमेरिका शिफ्ट होने का। वो अपनी बहन और माँ के पास अपने परिवार को ले जाने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए वो पासपोर्ट और कागजात तैयार करवा रहा था। प्रियंका और शिपू का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों बहुत खुश थे।
लेकिन उनके बीच में आ गया अमित नाम का एक शख्स और प्रियंका को उससे हो गया इश्क, बेपनाह इश्क। और जब प्रियंका को बेपनाह इश्क हो गया तो दरार बीच में पति पत्नी के लाजमी है। अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सनसनी ऑफ इंडिया का कल देखें सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद स्वामी ओम जी महाराज का बयान, दिल्ली में बच्चों के दुष्कर्म में अरविंद केजरीवाल का हाथ। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट कवर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। कल देखें सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद स्वामी ओम जी महाराज का बयान, दिल्ली में बच्चों के दुष्कर्म में अरविंद केजरीवाल का हाथ। प्रियंका के देश छोड़कर विदेश जाने की खबर सुन अमित ने अपना आपा खो दिया और वो सीधा प्रियंका से मिलने जा पहुंचा। प्रियंका के घर पहुंच वो प्रियंका से शादी करने की जिद करने लगा, उस पे दबाव बनाने लगा कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन प्रियंका ने इस बात के लिए हामी नहीं भरी, तो इस बात पर अमित का पारा चढ़ गया। उसने आक्रोश में आकर अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और प्रियंका की ओर तान दी। वहीं ये सारी तस्वीर प्रियंका के बच्चों की आंखों में भी उतर रही थी, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा चल रहा था उस वक्त प्रियंका के बच्चे भी वहां मौजूद थे। डर के मारे प्रियंका अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी, लेकिन अमित ने घर के गेट से ही प्रियंका पर गोली चला दी और गोली प्रियंका के गर्दन पर जा लगी, जिससे वो वहीं ढेर हो गई। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, प्रियंका की हत्या करने के बाद अमित ने खुद को गोली मार ली और वो भी मौत की नींद सो गया। पटेल नगर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई थी कि गोली लगी है और 2 जनों की डेथ हुई है।
यहाँ आके मौके पे देखा है, एक लेडी है और एक जेंट्स है, उनकी डेड बॉडी है और प्राइमर फेस से इन्वेस्टिगेशन से पता लग रहा है कि पहले प्रियंका को गोली मारी है, उसके बाद उन्होंने अपने आप को गोली मारी है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस ने भी इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की छानबीन में प्रियंका के पति और उसके बच्चों का आंखों देखा हाल बयां किया, जिससे पूरी गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। हालांकि अमित के घर वालों का इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला गलत लग रहा है, लेकिन पुलिस अब भी युवक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास में जुट गई है। जांच में ये भी सामने आया है कि अमित प्रियंका पर शादी का दबाव बनाने लगा था और प्रियंका जिसके खिलाफ थी। अमित प्रियंका से बेपनाह मोहब्बत करता था, वो इतनी मोहब्बत करता था कि वो भूल गया कि प्रियंका एक शादीशुदा है और उसके दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं। प्रियंका का विदेश जाना अमित से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका दूर जाना उसको दिन पर दिन सताए जा रहा था और एक दिन अमित ने प्रियंका को गोली मार दी। प्रियंका को ही नहीं बल्कि खुद गोली मारकर भी आत्महत्या कर ली। कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है। ऐसी ही एक वारदात हम आपको और दिखाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये वारदात भी बड़ी संगीन है। इसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे, दिल धक धक करने लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कल देखें सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद स्वामी ओम जी महाराज का बयान, दिल्ली में बच्चों के दुष्कर्म में अरविंद केजरीवाल का हाथ, दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कल देखें सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद स्वामी ओम जी महाराज का बयान, दिल्ली में बच्चों के दुष्कर्म में अरविंद केजरीवाल का हाथ। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, saathi4you.com। जो saathi4you.com पर आए जिंदगी महक जाए। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ ₹5 में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र ₹2 में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक पत्नी जिसने अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा, उसके नाम की बिंदिया अपने माथे पे लगाई, उसके नाम की चूड़ियां पहनी, क्या वो पत्नी किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी दिखा रहे हैं जिसने
अपने पति के साथ धोखा ही नहीं किया बल्कि उसे जीते जी मार दिया। यह है गंगानगर राजस्थान का पंकज और यह है पंकज की पत्नी मृतका रवीना। पंकज अपनी पत्नी रवीना और दो छोटे बच्चों के साथ खुशी से नहीं रह पा रहा था क्योंकि रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई दरार थी। दरार बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन रवीना के फोन पर एक मैसेज क्या आया कि रिश्तों की दीवार झट से टूट गई। पंकज को अपनी पत्नी रवीना पर अवैध संबंध होने का शक था, वो भी एक नहीं मोहल्ले के दो दो लड़कों के साथ। पंकज को शक था कि उसकी पत्नी रवीना उसके पीठ पीछे अपने आशिकों से मिलती है। पंकज को यकीन था कि रवीना के बर्थडे पर उसके आशिक उसको मैसेज या फोन जरूर करेंगे। रवीना के बर्थडे पर पंकज का यह शक यकीन में बदल गया। अचानक रवीना के मोबाइल पर उसके एक आशिक का फोन आया। पंकज ने फोन तो काट दिया लेकिन देखा कि उस पे कई मैसेज थे जिस पे लिखा था आई लव यू। पंकज अपने आप को काबू नहीं कर पाया। पंकज ने उस मैसेज के बारे में रवीना से पूछा तो रवीना ने साफ इनकार कर दिया। इस बात पर पंकज को और गुस्सा आ गया और दोनों में हाथापाई हो गई। जो पति अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हो क्या वो अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देख सकता है? अभी बहुत कुछ बाकी है इस कहानी के अंदर लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, रुकना है बस छोटे से ब्रेक। कल देखें सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद स्वामी ओम जी महाराज का बयान, दिल्ली में बच्चियों के दुष्कर्म में अरविंद केजरीवाल का हाथ। सनसनी ऑफ इंडिया का जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, saathi4you.com। जो saathi4you.com पर आए जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कल देखें सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद स्वामी ओम जी महाराज का बयान, दिल्ली में बच्चियों के दुष्कर्म में
अरविंद केजरीवाल का हाथ। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। पंकज ने मन ही मन ठान लिया था कि वो रवीना को जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसने एक साजिश रची। पंकज ने दिन में ही घर के कीमती गहने बेच दिए और रात में पत्नी की गला काट कर हत्या कर दी। हत्या बड़ी बेरहमी से की और इसके बाद किया लूट का ड्रामा। शीशा तोड़कर पंकज ने अपने को जख्मी कर लिया। सुबह पुलिस आई और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। सभी लोग पंकज को संतावना दे रहे थे, पर वो पुलिस जिसका हर रोज अपराधियों से पाला पड़ता है, वो पंकज के बयान और हालात की जांच कर रही थी। और जब पंकज से सख्ती से पूछा तो खुल गया पूरा का पूरा राज। पंकज ने खुद कबूला उसने अपनी पत्नी रवीना की गला काटकर हत्या कर दी। उसे कोई पछतावा भी नहीं क्योंकि उसकी पत्नी रवीना उसके साथ बेवफाई कर रही थी। उसका एक नहीं दो दो लड़कों के साथ अवैध संबंध था। अब इस हादसे के बाद बच्चे की मां की हत्या हो गई और पिता हत्या के जुर्म में जेल चला गया। पूरा परिवार तबाह हो गया। अब मां और बाप दोनों की गलतियों की सजा ये मासूम भोगेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बलात्कार की घटनाएं वारदात हमें देखने को मिलने को मिली। आज हम आपको एक ऐसी वारदात दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों की आंसुओं दिल की धड़कने कम हो जाए। मां के पावन नवरात्रे चल रहे हैं और इन नवरात्रों के अंदर हम छोटी छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी लड़कियों को कन्या रूप मां का दर्जा और कन्या पूजन। लेकिन वही अगर आपको सुनने को मिल जाए कि 2.5 साल की बच्ची दूध मुही बच्ची के साथ कैमरे हुआ, लोग नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन में लगे हैं, पर कुछ राक्षस इस दौरान दूध मुही बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। यह है दिल्ली के नांगलोई थाना इलाके की शिवराम पार्क कॉलोनी। यहां इस पार्क में क्राइम टीम आई है। पूरी कॉलोनी जमा है और गुस्से में है क्योंकि यहां बीते दिन एक रामलीला का आयोजन हो रहा था। रात 11 बजे का वक्त था और अचानक 2 मिनट के लिए लाइट गई। इसी दौरान एकमात्र 2.5 साल की दूध मुही बच्ची दूध पीकर घर के बाहर निकली थी, जो रामलीला के बगल में बना घर था।
रामलीला घर के आगे ही हो रही थी, तभी एक बाइक पर सवार दो लड़के बच्ची को उठाकर भाग गए। लोगों ने बाइकर्स को भागते देखा, मामला समझकर पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बाइकर्स गायब हो गए थे। पुलिस को इसकी तुरंत सूचना भी दी गई। हमारे घर के पास में रामलीला हो रहा है, बस वो मेरी बेबी घर से बाहर निकली ही थी, वो भी 2.5 साल की है, और जैसे वो वहाँ पे डांस हो रहा था, उसका ध्यान बटा, वो डांस देखने के लिए बस 2-3 कदम गई है, तुरंत ही लाइट चली गई, और लाइट जाते ही मेरी बेबी को उन लोगों ने उठा लिया। हम लोग उसकी थोड़ी देर बाद लाइट आई और हम अपनी बेबी को ढूंढने लगे, लेकिन हमें मिली नहीं वो, और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद वो हमें कहीं पार्क में मिली। पूरी कॉलोनी जमा हो गई और बच्ची की तलाश में निकल पड़ी। पुलिस को छोड़कर सभी बच्ची को तलाश रहे थे। 3 घंटे लोग खुद तलाशते रहे, तभी कुछ दूर एक पार्क में बच्ची पड़ी मिली। बच्ची बेहोश थी, गुप्त अंगों में खून बह रहा था, साफ था दोनों दरिंदों ने बच्ची से गैंगरेप किया। तुरंत बच्ची को उठाकर पुलिस को इत्तला दी गई। रामलीला में डांस हो रहा था और डांस में ही लाइट गई है, उसी टाइम हमारी बच्ची गई है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर 2 कदम पे ही लड़की ये बोतल लेने गई है अंदर दूध की। मैं अपने घर पे गई, उसी गली में मेरा घर है, ये अपने घर पे निकल गई है लड़की, रामलीला में निकली। सिर्फ 2 मिनट के फैसले में हमारी बच्ची गायब हो गई है। अभी पल्ला ही रखना पूरा। 2 मिनट के अंदर हमारी बच्ची का, हमने जिस टाइम भागे हमें पता चला ना, हमने इतनी भागम भाग बचा, इतनी भागम भाग बचा, सारे रामलीला वाले जितने भी थे अनाउंसमेंट भी कर दिया और सारे लोग भाग लिए वहाँ से। कौन लोग ले गए? कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं है, सिर्फ हमें 3 घंटे बाद लड़की पार्क में पाई है, वो भी इनको पाई है पार्क में। ये मेरी बड़ी भाभी है, ये मेरी छोटी भाभी है, इनको पाई है पार्क में लड़की। अभी बता रहे थे ना कि बाइक दो लड़के थे बाइक पर, हमें नहीं पता कौन थे, हम नहीं जानते। लड़की बैठा रखी, बीच में लड़की बैठा रखी थी, हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अंधेरे में हम भागे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता चला कहाँ पे क्या हुआ है कैसे हुआ है। पूरे मामले में पुलिस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार इतनी बड़ी रामलीला की भीड़ में पुलिस नदारद क्यों थी? यहाँ रामलीला के दौरान कोई पुलिसिया बंदोबस्त नहीं था, हजारों की भीड़ पर 2 कांस्टेबल भी नहीं थे। सवाल रामलीला कमेटी पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि रामलीलाओं में आजकल शराबी, नशेड़ी और ऐसे दरिंदे ज्यादा आ रहे हैं, तो क्यों नहीं पुलिसिया बंदोबस्त किए गए? क्यों नहीं रामलीला कमेटी मंचन रोक कर बच्ची को तलाशने निकले? बच्ची के लिए शोर हो रहा था पर मंचन नहीं रुका, साथ ही गलियों नुक्कड़ों में भी दिल्ली में बिना परमिशन की रामलीलाएं भी जारी हैं। इन सब की जिम्मेदारी पुलिस की है, क्यों नहीं पुलिस बिना बंदोबस्त रामलीला करने वालों पर मुकदमे दर्ज कर दी? इस मामले में बच्ची को पुलिस ने क्यों नहीं तलाशा? पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बच्ची पर 11 बजे से 2:30 बजे तक बच्ची के साथ क्या बीती होगी? बच्ची सदमे में है और बाहरी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती है। गुप्तांग फट चुके हैं, जिन्हें कई टांके लगाकर सीला गया है। बाइकर्स का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। पुलिस अभी तक इस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच का झुंझुना बजा रही है और दिल्ली शर्मसार हो रही है। आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके मैसेज हमें आए दिन व्हाट्सएप पर मिलते रहते हैं, लेकिन ये रिश्ता आपको तोड़ना नहीं है, अपने सुझाव हमें निरंतर इसी तरह से देते रहिए। और हाँ दोस्तों, जो लोग सनसनी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम रात 10:30 बजे नहीं देख पाते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि 19 तारीख से हमारा सनसनी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम रिपीट होगा दोपहर 1 बजे, तो जो लोग रात को नहीं देख पाते हैं तो दोपहर 1 बजे देखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। करना कुछ नहीं है, बस अपने मोबाइल के अंदर या अपने कैमरे के अंदर आपके आसपास हो रही वारदात को कैद कर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9650854621। तो इसी के साथ मैं ब्रजेश चंद अब लेता हूं विदा, लेकिन कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। देखना ना भूले आपका पसंदीदा प्रोग्राम सनसनी ऑफ इंडिया।